ग्राम मिश्रपुर, जिला हरिद्वार, ग्राम प्रधान पद उम्मीदवार। आज ग्राम मिश्रपुर में ग्राम प्रधान उम्मीदवार जितेंद्र सैनी जैसे अपडेट मीडिया की टीम के साथ आज खास मुलाकात हुई और उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर बात करते हुए बताया कि समाज के अंदर नशा, विकास व गंदगी की अनेक समस्याएं हैं। सभी समस्याओं को निवारण कर सकें और युवा पीढ़ी को नशे से बचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। ग्राम प्रधान से खड़े हुए हैं, जनता के बीच में एक अच्छा संदेश लेकर के जा रहे हैं, एक अच्छी योजनाएं लेके जा रहे हैं। आज की डेट में जो युवा हैं वो सबसे ज़्यादा नशे से पीड़ित हैं, तो हम उनसे इस विषय के बारे में जानकारी लेंगे और विकास किस स्तर तक रहेगा, सफाई अभियान कैसा रहेगा उनके समय में, हम उनसे आज कुछ थोड़ी बहुत बात पूछेंगे, मुलाकात करेंगे, क्या वो जनता के बीच में लेकर के जा रहे हैं। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में और आप जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या प्राथमिकता है, पहली प्राथमिकता क्या है? सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। उसके बाद प्राथमिकता हमारी सबसे पहले ये रहेगी कारोबार गली 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 बंद करने का। भाई देखो, ये शराब के ठेके वगैरह ये तो सरकार को ये लोग नहीं बंद कर सकता। हम ये भी नहीं कह सकते हमारे यहाँ से बंद करना, क्योंकि सरकार ये कहोगी तुम तो राजस्व भी बंद करना चाह रहे हमारा, तो इसलिए हमारे जो गाँव में चल रहा है सिस्टम गली गली का, ये प्राथमिकता हमारी ये बंद। युवा नशे के प्रति ज़्यादा आकर्षण क्यों होते हैं, क्या वजह रहती है? कुछ तो देखो, जो ऐसे बच्चे हैं ना वो पढ़ाई से संपर्क में नहीं आ पा रहे, अच्छे लोगों के संपर्क में नहीं आ पा रहे। जैसे दो चार लड़के इसके नशे के उसमें लगे हुए, तो दो चार और उनके चक्कर में आ गए, सोचते हैं अब ये काम बढ़िया है, अगर उन्हें जागरूक किया जाए तो वो वापस अपनी जगह। क्या परिवार की भी लापरवाही मानते कि परिवार अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहा? थोड़ा बहुत परिवार की भी होती है, जो शिक्षित परिवार है आप वहाँ पर जाकर देखते उनकी हाँ बहुत नाम मात्र कम लगा पैसा। अच्छा, विकास को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सड़कें हैं, अभी हमने देखा होगा कि कहीं सड़कें तो अच्छी बनी हुई हैं, हमारे लेकिन कहीं कहीं बहुत ज़्यादा कूड़ा है, कचरा नहीं, है। हमारे यहाँ देखो, आप हमारे गांव में जाकर देखो सड़कें वगैरह नालियाँ वगैरह देखो, पहले देखो जबकि गंगा जी बजा रही है रोड, ये देखो हमारे यहाँ सड़कें नालियाँ वगैरह सब दुरुस्त है, फिर भी जो हमारे गाँव वाले काम होगा, सरकार की कोई योजना होगी वो धरातल पर लाने की पूरी कोशिश। सफाई व्यवस्था आपके यहाँ कैसी है? सफाई व्यवस्था थोड़ी चरमराई हुई है, उसको लगभग देखो ये भी उसकी व्यवस्था करो चल रही है और अगर लगभग लगभग करके बढ़ाऊंगी। क्या है कि लोगों को, जनता का कहना है कि जब प्रधान हमारे बीच में आते हैं वोट मांगने और ना ही वो किसी के संपर्क में आते हैं। नहीं, हमारे हमारे पास हमारे जा रहे हैं ये लोग, सब आप इनसे किसी का देख सकते हो, हम जनता के बीच में रहते हैं तभी तो ये हम चुनते हैं, इनके दुख दर्द में हमें 24 घंटे काम रखते हैं, तभी तो हम बार बार पूछते हैं, अरे एक बार बनकर दोबारा किसी के पास मौका मिलता नहीं, हमें दोबारा कभी मौका मिल रहा। अच्छा, बार बार शिकायतें आती हैं सरकारी स्कूल के हमारे यहाँ की सरकारी बच्चों की जो व्यवस्था है वो नहीं मिल पाती, उनको बैग हैं, किताबें हैं। नहीं नहीं, हमारे यहाँ वो व्यवस्था बिल्कुल सही है, हमारे यहाँ की सरकारी स्कूल देख पाओ जाए व्यवस्था देखो उसकी, यही बात नहीं है प्राइमरी स्कूल उसकी व्यवस्था देखो, इतनी व्यवस्था कर रखी है उन्होंने बहुत, और हमारे यहाँ से एक आंगनबाड़ी केंद्र उसमें देखो छोटे बच्चे के लिए खेल खिलौने कुर्सी वगैरह सब पूरी व्यवस्था कर रखी है। बाकी तो देखो सरकार की तरफ से जो आता है वो हम धरातल पर पूरा पूरी कोशिश करते हैं उसे लाने की। धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और हम आपकी बात जनता तक ले जाएंगे जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा होगा। नमस्कार, हरिद्वार से ब्यूरो रिपोर्ट, रणविजय कुमार।